नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आधार क्लासेस स्टडी फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम। मेरा नाम है कपिल कुमार और आज मैं फिर लेकर आया हूँ आपके साथ एक नई वीडियो। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ संज्ञा के बारे में। संज्ञा को इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी व जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि दुनिया में जो भी चीज़ है, अगर उसका कुछ नाम है तो वो संज्ञा है। सबसे अच्छी डेफिनेशन यही है, आप यही याद रखो। एग्जांपल देख लो, जैसे पशु, पक्षी, दिल्ली, मंदिर, दादा दादी, रमेश, किताब, महेश, साइकिल, हंसना, पीना, खाना, साफ सुथरा, ये जितना भी है ना, जिसका भी नाम है वो संज्ञा है। संज्ञा के भेद यानी संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा होती है 5 प्रकार की। सबसे पहले जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। सबसे पहले बात करेंगे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्ति से पता चल रहा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी स्थान, विशेष वस्तु और विशेष व्यक्ति के नाम का पता चलता हो, उसे संज्ञा शब्द को व्यक्तिवाचक शब्द संज्ञा कहते हैं। जैसे 3 चीज़ें याद रखनी है इसमें, स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी भाई। जैसे स्थान का नाम भारत, दिल्ली, गोवा, अमेरिका, अमृतसर। व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी, भगत सिंह, सचिन तेंदुलकर आदि। वस्तु का नाम रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, और भी वस्तु हो सकती है। दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जाति से ही पता चलना, याद रखना, जाति जिस शब्द से किसी जाति का संपूर्ण बोध होता है, यह उसकी पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता हो, उस शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। याद रखना है, सिर्फ जाति आनी चाहिए, किसी भी चीज़ की जाति आनी चाहिए। जैसे मोटरसाइकिल बहुत सारी होती हैं, अलग अलग कैटेगरी की होती हैं, वो उसकी जाति है। जैसे लड़की, लड़की की जाति होती हैं, बहुत सारी लड़की होती हैं, उसकी जाति होती हैं। जैसे गांव, अलग अलग गांव होते हैं, ठीक है। जैसे पहाड़, मोबाइल, टीवी, कार, तालाब, मंदिर, लड़का, शेर आदि। बात करते हैं अगला, समुदाय वाचक या समूहवाचक संज्ञा। याद रखना है हमें, समूह से यानी किसी भी चीज़ का समूह होना चाहिए। जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तु के समूह या एक ही वर्ग व जाति के समूह को दर्शाता है, वह समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। देखो, या तो वर्ग या जाति होना चाहिए। जैसे सेना, सभा, इंसान, पुस्तक, झुंड, ठीक है। जैसे गेहूं का ढेर, लकड़ी का गट्टा, विद्यार्थी का समूह। आगे बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव से पता चल रहा है, द्रव यानी मैटीरियल नाउन, यानी मैटीरियल आना चाहिए भाई। ठोस, द्रव, गैस, तीनों चीज़ आनी चाहिए। जैसे गेहूं, तेल, पानी, दही, लोहा, तांबा, सोना, आटा, दाल आदि। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव से पता चल रहा है कि उसका भाव आना चाहिए, यानी उसकी दशा, उसका गुण, ये सब क्या प्रकट करेगा भाववाचक संज्ञा को। किसी शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, उसकी स्थिति
भाव का पता चलता हो उस शब्द को क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे सर्दी, गर्मी, बुढ़ापा, जवानी, मिठास, खटास, थकान, ताजगी आदि। ये शब्द क्या होते हैं? ये शब्द होते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हम बना भी सकते हैं, कुछ प्रत्यय जोड़ के बनते हैं। जैसे जैसे लास्ट में ता, आदत्य, बे, पन, आव, जैसे इमा, जैसे ला, ये प्रत्यय जोड़ के हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। जैसे नीचा, अगर हम इसमें ई जोड़ दें तो क्या हो गया? नीचाई। तो ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। जैसे लड़का, लड़का क्या होता है? लड़का जातिवाचक संज्ञा होती है, बट इसे हम भाववाचक संज्ञा में कैसे बनाएंगे? इसमें प्रत्यय जोड़ दो भैया, प्रत्यय जोड़ दो पन, तो क्या हो गया? लड़कापन। जैसे गुरु, आदत है, बै जोड़ दो गुरुत्व, ये क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। जैसे ऊंचा, अगर ई जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है इसमें? भाववाचक संज्ञा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी बताई हुई जानकारी भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अब मैं ये वीडियो अपनी समाप्त करता हूँ, इससे अगली वीडियो में मिलते हैं। मैं आपके साथ ऐसी नई नई वीडियो बनाता रहूँगा, तो इसलिए आप अच्छे से स्टडी करो। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब